हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसे गर्म होने के बाद हम उसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम देखेंगे उसमें क्रैकल साउंड आने लगे या उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसका मतलब जीरा हमारा भुन गया है। तब हम इसे थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इसके बाद बारीक दरदरी पिसी हुई काली मिर्च। बाद अब हम सबको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर चलाते हुए भून लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम उबले हुए आलू लेंगे, जिनको मैंने प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगाकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इन्हें हम एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे और जब ये इनको फिर चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इन्हें मैश करने के लिए मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इनको चम्मच से ही मैश कर लिया है। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच, उसके बाद आमचूर पाउडर ऑप्शनल है, मैंने नहीं यूज़ किया, और गरम मसाला हम लेंगे 1/4 चम्मच। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। जब सारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे, तब हम इनको थोड़ी देर के बाद गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई धनिए की पत्ती डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 शिमला मिर्च ली हैं, जिनको मैंने ऊपरी किनारे से काट लिया है और उनको फिर देखिए जैसे मैंने इनको काटा है। हम 1 चम्मच की हेल्प से जो ये हमारी आलू की स्टफिंग हमने रेडी की है, इनको शिमला मिर्च के अंदर हम भर लेंगे। देखिए जैसे मैंने भरा है, ऐसे ही हम इनको भर लेंगे और सारी शिमला मिर्च को हम एक एक करके ऐसे ही चम्मच की हेल्प से स्टफिंग से भर लेंगे और इनको अच्छे से बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद उसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और अब हींग डालने के बाद इसे थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे से भुनने के बाद। अब हम इसमें हमारी स्टफिंग वाली शिमला मिर्च एक एक करके रख देंगे। ध्यान रहे गैस को एकदम लोअर फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, नहीं तो हमारी शिमला मिर्च जल जाएंगी। अब हम इसमें ऊपर से लाल मिर्ची और नमक डाल देंगे और इसको ढक देंगे अच्छे से और एकदम धीमी गैस पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसको अपन चेक करेंगे। देखिए हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल अच्छे से पक गई है, शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।